संस्कृत दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत है। और संज्ञा प्रकरण उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, और कुछ एक दो बार और हम देखेंगे तो संज्ञा प्रकरण समाप्ति हो जाएगा। उसके बाद हम उम्मीद कर रहे हैं कि शायद भाषा विज्ञान या ऋग्वेद प्रातिशाख्य में से कोई एक अध्ययन करेंगे, देख लेते हैं फिर उसके बारे में। और यदि आपको दोनों में से कोई चुनना हो तो मुझे कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हैं, भाषा विज्ञान शुरू की जाए या ऋग्वेद प्रातिशाख्य, दोनों में से कोई एक। तो हम संज्ञा प्रकरण में चलते हैं। संज्ञा प्रकरण में हम कुछ सूत्र ले लेते हैं। देखिए, आज हम पद संज्ञा है उसके बारे में जानेंगे। पद संज्ञा में मैंने देखा है अक्सर एक ही सूत्र बताकर के छोड़ दिया जाता है, सुप्तिगंतम पदम, यही सूत्र है मुख्य। बाकी जो सूत्र मैंने लिए हैं उसके बारे में थोड़ा थोड़ा समझाता चलूंगा, लेकिन मुख्य आपको बस जो एक दो सूत्र होते हैं वही होते हैं, मैं हर एक में बता देता हूं। सुप्तिगंतम पदम, ठीक है। दूसरा है इसमें नहा के, तीसरा है सितीचा, और चौथा है स्वादिश्वा सर्वनाम स्थाने। चार हैं, इनको चार क्रम से हम देखेंगे तो बातें एकदम समझ में आती चली जाएंगी। यहां से देख लेते हैं हम, इसमें है सुप, ठीक है, फिर है तिंग और फिर है अंत, और उसके बाद में है पदम। इसको हम छोड़ देते हैं क्योंकि ये तो संज्ञा का नाम है। तो सुप क्या है और तिंग क्या है और इसके बाद में जो अंत शब्द लगा है ये क्या है, तो इसके लिए हम प्रयोग कर सकते हैं अंत जो है इन दोनों में प्रयोग किया जाएगा। सुप धन अंत बराबर सुबंत, आपने इसका अध्ययन भी किया होगा सुबंत क्या होते हैं। ऐसे ही तिंग धन अंत तिंगंत, ठीक है। अब थोड़ी सी बातें यहां चर्चा करते चलें सुप के बारे में और तिंग के बारे में। जब भी ये अंत में हो, ये प्रत्ययों के नाम हैं। सुबंत भी प्रत्यय हैं और तिंगंत भी प्रत्यय हैं, लेकिन सुबंत हमेशा शब्द में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है, और ये धातु में। सुबंत किस में प्रयोग किए जाते हैं, शब्दों में प्रयोग किए जाते हैं, और तिंगंत किस में प्रयोग किए जाते हैं, धातु में प्रयोग किए जाते हैं। सुबंत जैसे सु औ जस अम औ षष्टाभ्याम बिस गे भ्याम भिस, इस तरह से जो प्रत्यय हैं वो सुबंत कहलाते हैं, और उन प्रत्ययों से युक्त जो भी शब्द हैं उनकी पद संज्ञा होती है। जैसे राम शब्द है, राम की शब्द की पद संज्ञा नहीं होगी, इसके बारे में हम जानेंगे राम को बोलेंगे क्या। तो जो राम है, राम क्या है, राम एक प्रातपदिक है। प्रातपदिकार्थ लिंग प्रमाण वचन मात्रे प्रथमा से हमने इसके बारे में थोड़ा सा जाना था। तो प्रातपदिक कैसे हुआ ये, वो हम आने वाले समय में थोड़ी सी प्रातपदिक संज्ञा के बारे में भी जानेंगे, तब पता चलेगा। अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातपदिक, इस तरह से एक सूत्र है। तो उसमें जब भी ये सूत्र हो, तो ये जब भी शब्द होते हैं उनमें जब राम यानी कि राम धन सु, ये सु मतलब पहला है सु औ जस अम औ षष्टाभ्याम, इस तरह से, तो जब तक इसको पद में प्रयोग नहीं किया जाएगा, पद नहीं बनाया जाएगा, तब तक संस्कृत में इसको प्रयोग नहीं कर सकते। तो इसलिए ये राम सु से बनकर के रामहा, ये शब्द जब बनता तो ये शब्द क्या हुआ, पद हुआ, ठीक है। जैसे लता है, लता शब्द दोनों की पोजिशन में, दोनों स्थितियों में, प्रातपदिक में भी यही रहता है और पद में भी यही रहता है, तो इसको पहचानना कठिन हो जाता है, लेकिन याद रखना है फिर भी लता का जब भी एक वचन है ये, तो इसमें भी प्रातपद जब यदि संस्कृत वाक्य में प्रयोग हो रहा है तो लता एक पद है, अर्थात उसकी पद संज्ञा है। अब कोई भी ले लीजिए, आप हरि ले लीजिए, हरि शब्द है, हरि का हरि करेंगे आप तो ये प्रातपदिक था, अब क्या बन गया,
पद बन गया। तो जब भी कोई भी संस्कृत में इन प्रत्ययों से युक्त अर्थात एक तरह से मानिए आप इसको सरल भाषा में समझिए, कोई भी शब्द जब रूप युक्त हो उसकी विभक्तियों में प्रयोग किया जा रहा हो, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी एक वचन द्विवचन बहुवचन इनमें कोई भी प्रयोग किया जाए, रामा रामू रामा रामम रामू रामा रामेण इस तरह से, हर हरि हरिया हरिम हरि हरिण है ना, लता लते लता इस तरह से जो भी शब्द हैं वो प्रयोग किए जाएंगे उन सभी शब्दों की पद संज्ञा हो जाएगी। अब तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, क्योंकि जो भी विभक्तियां हैं विभक्ति में जो प्रयोग होने वाले शब्द हैं उनकी क्या हो जाएगी, पद संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं थोड़ा। ऐसे ही तिंग है, तिंग तिप्तस झी सिप्तस था वे मसमस तातम झा था सातम ध्वम इड महिं, इस तरह से ये प्रयोग किए जाते हैं परस्मैपदी और आत्मनेपदी। तिंग जो होते हैं वो धातु से प्रयोग किया जाते हैं, पठती पठता पठंती गच्छति गच्छता गच्छंती भवती भवता भवंती जो भी इसमें आते हैं है ना, सेवते सेवते सेवंते सेवसे सेवते सेवध्वे लभते लभेते लभंते, आत्मनेपदी और परस्मैपदी जब भी प्रयोग किए जाएंगे तिगंत, याद रखना इसमें भी वही नियम है, धातु के साथ में जब तक ये नहीं लगेंगे, जैसे पट है पट धातु है, पट धातु में जब तक ती नहीं लगेगा तिप्तस जी वाला तिप नहीं लगेगा तब तक ये पठती नहीं बनेगा, और यदि पठती नहीं बनेगा तो ये धातु ही रहेगा, इसकी पद संज्ञा पठती के रूप में ही होगी। याद रखना है दोनों में शब्द रूप हो या धातु रूप हो जब वो विभक्तियों में प्रयोग होने लगे, इसमें पुरुष में प्रयोग होने लगे एक वचन द्विवचन बहुवचन पुरुष के अंतर्गत होते हैं प्रथमा प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, उसमें प्रथमा विभक्ति से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक जो भी शब्द आते हैं प्रयोग युक्त संस्कृत में जब प्रयोग किए जाएंगे तो उनकी पद संज्ञा होगी, अगर इनसे हट करके हैं तो उसकी धातु संज्ञा हो जाएगी तिंग की और उसकी प्रातपदिक संज्ञा प्रातपदिक बोला जाएगा। तो उम्मीद है सुप्तिगंतम पदम आपको सही से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं नहा यानी कि नकार रांत, इसका तात्पर्य है क्या क्या है, क्या के अंतर्गत तीन वो शब्द धातु आते हैं प्रत्यय क्यं क्यच क्यं क्यच और क्यश, ये तीन जब भी प्रत्यय आ जाएं नकारांत में तो उनकी क्या हो जाएगी, पद संज्ञा हो जाएगी। नकारांत शब्द होने चाहिए, जैसे राजन है, राजन शब्द में यदि इन का प्रयोग हो जाता है तो सीधे याद रखना है पद संज्ञा उसकी हो जाएगी। उदाहरण देख लेते हैं इसके एक दो है ना, समझ में आ जाएगा फिर पूरी बात है। चर्मायति, अब चर्मायति जो शब्द है उसमें अगर देखा जाए तो कहां से ये प्रयोग किया जा रहा है इसको थोड़ा सा जानना होगा हमें। हम जानते हैं कि चर्मन नकारांत धातु होती है और इसमें क्यश प्रत्यय प्रयोग किया गया है इसलिए चर्मायति ये प्रयोग हुआ है, तो इसकी क्या हो जाएगी, इसकी क्या हो जाएगी, पद संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही राजन है, राजीयति, राजन में जब भी प्रयोग किया जाएगा तो राजीयति रूप बनेगा तो इसकी क्या हो जाएगी, पद संज्ञा हो जाएगी। ये विस्तृत विषय है इसलिए मैं ले लेता हूं बेशक, लेकिन ये बहुत बड़ा विषय है, इसको जब तक हमें इसमें समझ में नहीं आएंगी चीजें तब तक इसमें समझ में प्रयोग नहीं कर सकते। तो ये जब हम उसका अध्ययन करेंगे प्रत्ययों का तब उसमें अगर बीच में आता है तब ये काम करेंगे वहां। ठीक है, तो इसमें क्यश क्यंग और क्यच ये तीन प्रत्ययों का प्रयोग किया गया है। चलिए अगला देख लेते हैं, सितिचा से तात्पर्य क्या है, स धन इति, इसको ऐसे हम तोड़ सकते हैं है ना, साधन इति अर्थात
इत संज्ञक जितने भी प्रत्यय होते हैं, सा इत संज्ञक जितने भी प्रत्यय होंगे उनकी पद संज्ञा हो जाएगी। ध्यान रखना है बस इतनी सी बात है, इसमें और कुछ नहीं है। जब भी प्रत्ययों का अध्ययन किया जाए या कभी अध्ययन होगा तो उसमें क्या है, जब भी स्थिति क्या है, स्थिति क्या करेगा, सा इत संज्ञक हो जिसमें, जैसे इसमें सुप है, सुप में क्या है, पा इत संज्ञक है, तो हलंत हो जाएगा, हट जाएगा, तो सु बचेगा। इस तरह से इसमें भी उदाहरण देख लेते हैं, चलो इसके भी, तो इत संज्ञक होते हैं और उनकी क्या हो जाएगी, उन शब्दों से युक्त, उन प्रत्ययों से युक्त शब्दों की इत संज्ञा हो जाएगी। भवत धन छस है, तो भवत धन छस है, तो सा जो है उसकी क्या है, इत संज्ञा हो जाएगी, हरंत्यम से इसक इत संज्ञा होती है और तत्सलोपा से उसका लोप हो जाता है, तो छा बचता है। तो ये पूरा कैसे बनेगा वो छोड़िए, तो इसमें बन जाएगा भवदीय। ये जो शब्द है भवदीय, ये पद के अंतर्गत आएगा, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं, एक और उदाहरण। ऊणा धन युस, अब ये भी सा इत संज्ञक है, तो इससे युक्त जो भी शब्द बनेगा, जो बनेगा क्या बनेगा, इसमें ऊणायु शब्द बन जाएगा, ऊणायु। ये जो शब्द बना ये क्या हो जाएगा, पद हो जाएगा, इसकी क्या हो जाएगी, पद संज्ञा हो जाएगी। थोड़ा थोड़ा समझाने का प्रयास कर रहा हूं, इसमें अधिक तो मुख्य रूप से यही है, जितनी भी परीक्षाएं होती हैं वो सुप्तिगंतम पदम के अंतर्गत ही आती है, तो नाक्य और स्थिति भी समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं, स्वादिशु है ना, आपका बचेगा ये असर्व नाम स्थाने, ठीक है ना, पूरा असर्व नाम स्थाने। चलिए स्वादिशु से तात्पर्य है सु आदि, ये गण है, तो सु से लेकर के कप प्रत्यय पर्यंत, अब बहुत बड़ा विषय हो जाता है ये, पांचवें अध्याय तक जाता है। अब इतना अध्ययन तो शायद जो अष्टाध्याय का कंठस्थ कर लेते हैं वही कर पाते हैं, सच्चाई तो यही है। तो अब उसमें सारे जितने भी लिए जाएंगे, सु से लेकर के जितने भी प्रत्यय आएंगे कप प्रत्यय तक, उन सब की स्वादिशु के अंतर्गत गणना की गई है और उन सब की पद संज्ञा हो जाएगी, उन शब्द से युक्त जितने भी हैं उनकी पद संज्ञा हो जाएगी। असर्व नाम स्थान, इसका तात्पर्य है अर्थात जो असर्व नाम स्थान में जो प्रयोग किए गए हैं उनकी जो संज्ञा हो गई है, सर्वनाम स्थान संज्ञा हमने अध्ययन किया है, मैं उसका लिंक डाल दूंगा आप जाकर के देख लें, उनको छोड़ करके यहां पर एक शर्त लगा दी है। तो उनमें हमने देखा था सो औ जस अम आउट, ये हैं सो औ जस अम आउट, ये पांच हैं। इन पांच प्रत्ययों को छोड़ करके अर्थात इनकी पद संज्ञा नहीं होगी, ध्यान रखना इन चीजों का, इनकी पद संज्ञा नहीं होगी। इसके बारे में विस्तृत में मैंने बताया है, मैं उसका लिंक डाल दूंगा, अवश्य डाल दूंगा, उसको जरूर देख लेना। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, पद संज्ञा हो जाएगी। याद रखना है स्वादिशु असर्वनाम स्थान, यानी स्वादिशु बहुत बड़ा गण है एक तरह से, इसमें बहुत सारे प्रत्यय आ जाते हैं, कब प्रत्यय तो पांचवें अध्याय तक जाता है ये। तो ये मैंने पद संज्ञा के बारे में थोड़ी सी बातें समझाने का प्रयास किया, इसलिए मैंने चारों सूत्र ले लिए और इससे ज्यादा इसमें पद संज्ञा में कुछ है नहीं। अगर इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे तो हमें ये बहुत ही सहायता करेगा इसमें अध्ययन करने में, ठीक है। आज के लिए इतना ही।